Hello friends, welcome back to our channel. Happy Makar Sankranti and Pongal to each and every one of you. May this festival bring lots of health, happiness and prosperity to your lives, and may this festival also spread lots of positivity and unity throughout this country. So this is a special dish, Moong Dal Khichdi. So yeah, let's see how it is made. अल्लाहुम्मा, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की खिचड़ी। इसके लिए हमने 1.5 कप बासमती चावल लिए हैं, जिसे हमने आधे घंटे भिगोए हैं। 1 कप मूंग की दाल, 1 गाजर, 1 आलू, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 कटोरी तेल, आप घी भी ले सकती हैं, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च जीरा, नमक हसबे जायका। सबसे पहले हम पैन में तेल डालेंगे। जब आप देखें कि हमारा तेल गर्म हो गया है, तो हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। जब आपकी प्याज थोड़ी पक जाए, तो हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन के साथ ही साथ हम इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च जीरा। नमक हल्दी जाएगा। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह भून गया, तो आप ये सब्जियां साथ में डाल सकते हैं। गाजर, आलू, शिमला मिर्च, ये सब सब्जियां ऑप्शनल हैं, आप बगैर सब्जियों के भी खिचड़ी बना सकते हैं। हमें सब्जियां गलाने के लिए इसमें थोड़ा पानी डालना है। जब आपकी सब्जियां 3-4 कुक हो जाएं, तो अब हम इसमें चावल और दाल दोनों साथ में डाल देंगे। चावल और दाल गलाने के लिए अब हमें इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब आप इसे 10 मिनट ढककर पकाएं। आप देखें कि हमारी मूंग की दाल की खिचड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारी मूंग की दाल की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत लजीज बनी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। शुक्रिया।